पूरा देश जानता है कि एमएसपी के बिना पंजाब का किसान, हरियाणा का किसान, हिंदुस्तान का किसान बच नहीं सकता। मोदी जी कहते हैं मंडी की कोई जरूरत नहीं। मैं जानता हूं कि सिस्टम में कमियां हैं, सिस्टम को आपने बदलना है तो बदलिए और मंडियां बनानी है तो बनाइए। आपको 10 किलोमीटर में मंडी डालनी है डालिए। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं किसान अपना माल कहीं भी बेच देगा, मंडी खत्म हो जाएगी, सड़क खत्म हो जाएगी, सड़क खत्म हो जाएगी तो किसान कैसे बेचेगा, क्या हवाई जहाज से जाके बेचेगा? यह जो ढांचा है कांग्रेस पार्टी ने बनाया, चाहे एमएसपी हो, चाहे फूड सिक्योरिटी बिल हो, मनरेगा हो, यह पूरा का पूरा ढांचा हमने आपके लिए बनाया है, आपकी रक्षा के लिए बनाया है और हम इनको, इस ढांचे को तोड़ने नहीं देंगे। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि किसानों को फायदा होगा, तो अगर किसानों को फायदा होगा तो पंजाब का, हरियाणा का, उत्तर प्रदेश का किसान आंदोलन क्यों कर रहा है? पंजाब के किसान ने सड़कें क्यों बंद कर रखी हैं? पंजाब का किसान क्यों दुखी है? अगर किसानों को फायदा होता तो आपने पार्लियामेंट हाउस में डिस्कशन क्यों नहीं किया? आपने डिबेट क्यों नहीं होने दी? आपने हमें बोलने क्यों नहीं दिया? अगर किसानों को फायदा होता तो बोलने में क्या मुश्किल, पार्लियामेंट में डिबेट करने में क्या मुश्किल? आप जानते हो कि किसानों को नुकसान होगा, आप जानते हो कि आप हिंदुस्तान के, पंजाब के किसान की रीढ़ की हड्डी तोड़ रहे हो, इसलिए आपने डिबेट नहीं कराई, इसलिए किसान आंदोलन कर रहा है। कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी तो ये आपके जो 3 कानून है नरेंद्र मोदी जी, इनको हम फाड़ के डस्टबिन में फेंक देंगे। एक तरफ आप कहते हो मेक इन इंडिया, एक तरफ आप कहते हो रोजगार दिलवाएंगे, दूसरी तरफ आप लाखों मंडियों में लोगों को बेरोजगार कर रहे हो। और आप यह मत समझिए कि इस देश का किसान कमजोर है, आप यह मत सोचिए कि इस देश का किसान डरता है। किसान से मजबूत इस देश में कुछ चीज नहीं है।